क्या हो रहा है ये? तो गाइस बेसिकली इस वीडियो में यही होने वाला है, एक कंप्यूटर पावर सप्लाई के साथ एक कार का स्टीरियो कैसे चलेगा मैं आपको आज डिटेल में बताने वाला हूँ। सो गाइस वेलकम बैक टू द चैनल, वेलकम बैक टू येट अनदर कार एंड होम ऑडियो रिलेटेड वीडियो। सो व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, लेट्स गेट स्टार्टेड। Welcome back to the channel, guys. So, सबसे पहले guys, बात करते हैं what is a car stereo? So, guys, इस टाइप का एक सिंगल लेन कार स्टीरियो होता है, आप चारों तरफ से देख लो, इसकी बेसिकली एक हाइट होती है इतनी सी, इसको सिंगल लेन कहते हैं, जो इससे थोड़ा सा मोटा होगा उसे डबल लेन कहा जाता है। सो ये बेसिकली एक फॉर्म है कार स्टीरियो के। कार स्टीरियो क्यों कार स्टीरियो बोला जाता है, जबकि अगर इसे हम यूज करें तो हम इसे कहीं यूज करते हैं तो एक इलेक्ट्रॉनिक आइटम है ना बेसिकली, जो है इसको हम पावर इनपुट वगैरह देते हैं, इसकी जो केबल होती है उसके थ्रू वो चलता है गाइस ये 12 वोल्ट्स के ऊपर। एंड घर के अंदर हम डायरेक्टली इसको नहीं चला सकते क्योंकि घर के अंदर हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी आती है वो होती है 220 वोल्ट्स पे, तो अगर इसको हमने चला दिया उससे तो ये सेकंड से पहले ब्लास्ट हो जाएगा, यहाँ उड़ जाएगा या जल जाएगा, इसकी बैंड बच जाएगी, मतलब बात ये है। तो इसको चलाने के लिए हमें गाइस एक चाहिए होता है 12 वोल्ट का पावर सोर्स, जो कुछ भी हो सकता है, एक ट्रांसफार्मर भी हो सकता है, एक नॉर्मल 12 वोल्ट डीसी की पावर सप्लाई भी हो सकती है। हाँ, डीसी पे चलता है, डायरेक्ट करंट पे, ऑल्टरनेटिव करंट पे नहीं चलेगा, उड़ जाएगा उसी टाइम। या फिर जैसे ये कंप्यूटर पावर सप्लाई है, ये भी एसी इनपुट लेती है, लेकिन उसके बाद जो ये सारे कनेक्टर्स होते हैं ये सब डीसी पे ही चल रहे हैं। तो ये चीज़ है, या एक नॉर्मल 12 वोल्ट पावर सप्लाई जो कि सिर्फ एक सिंगल रेल पे है, ये एक्चुअली मल्टीपल रेल्स पे होती है। इसमें आप अलग अलग वायर्स देख रहे हो, ये एक्चुअली 12 वोल्ट्स, 5 वोल्ट्स एंड 3.3 वोल्ट्स पे काम करता है। मैं आपको भी डिटेल में बताता हूँ कौन सी वायर कौन सी होती है। तो ये इस रीजन की वजह से इसको कहा जाता है कार स्टीरियो। तो ऑब्वियसली बात करते हैं अपने कंप्यूटर पावर सप्लाई की। देखो नॉर्मल पावर सप्लाई में तो 12 वोल्ट की जो भी पावर सप्लाई आती है उसमें तो डायरेक्टली कनेक्शन दे रहे हैं, दैट्स इट। लेकिन जो कंप्यूटर पावर सप्लाई है उसके अंदर हमारे पास प्लेथोरा ऑफ वायर्स होती हैं अलग अलग कलर्स की। जैसे इसके अंदर ही आप देखो येलो भी है, रेड भी है, ब्लैक भी है, इसके अंदर ग्रीन भी है, ऑरेंज भी है, ब्लू भी है। इट्स हाईली कंफ्यूजिंग, राइट? सो इसको मैं अभी अपने बेंच पर रखता हूँ और आपको डिटेल में बताता हूँ कि इसको कैसे करते हैं। और सबसे पहली बात, इसको ऑन करना, एक ऑन करना भी इसको एक आर्ट है, ऐसे ऑन होगा नहीं, अभी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। चलो बेंच पे। Alright guys, हम आ गए हैं अपने बेंच पे। एंड guys, मैं बता दूँ ये एक एक्चुअली नॉर्मल पावर सप्लाई है बीटल ब्रांड की। इससे बहुत अच्छी क्वालिटी की पावर सप्लाईज भी आती हैं और इससे नीचे पावर सप्लाईज भी आती हैं। सो जो सबसे पहले guys यहाँ पे एक स्पेसिफिकेशन दे रखी होती है, मैं आपको वो बता दूँ, उसके बाद वायरिंग पे चलते हैं। सो यहाँ पे हमें दिया होता है AC इनपुट एंड DC आउटपुट, जो मैं आपको भी बता ही रहा था। सो अगर हम 230 वोल्ट इसको देते हैं, 5 एम्पीयर की करंट लेगा, फ्रीक्वेंसी रहेगी 50 हर्ट्ज़ की। एंड उसके बाद हमें ऑरेंज वायर पे मिलता है 3.3 वोल्ट का आउटपुट 22 एम्पीयर्स का, जो कि हमारे लिए इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन जो भी कार स्टीयरिंग या कार एम्पलीफायर है उसके लिए यूजलेस है। दूसरी लाइन है हमारे पास रेड, जो कि होती है 5 वोल्ट की, उसमें हमें ये दे रहा है 23 एम्पीयर्स, जो कि लॉट ऑफ करंट है, बट 5 वोल्ट का करंट भी हमारे लिए इस एप्लीकेशन के लिए बेकार है। सो तीसरी जो चीज़ आती है, दैट इज द मेन थिंग गाइस, तीसरी चीज गाइस हमारे पास है येलो, जो कि है प्लस 12 वोल्ट्स। उसके अंदर ये पर्टिकुलर पावर सप्लाई कहती है कि मैं 22 एम्पीयर्स का करंट दूंगी, जो कि काफ़ी ज़्यादा सफिशिएंट है एक नॉर्मल स्टीरियो को चलाने के लिए, क्योंकि नॉर्मल स्टीरियो को चलाने के लिए सिर्फ 10 एम्पीयर का करंट चाहिए होता है। एंड दिस गाइस कैन डू 22, विच इज़ नाइस। तो उसके बाद हमें ब्लू मिलती है, जो कि है माइनस 12 वोल्ट, और माइनस 12 वोल्ट की यहाँ पे इतनी रिक्वायरमेंट आती नहीं है, क्योंकि जो सॉरी इसके अंदर ब्लैक कलर की वायर्स हैं गाइस, वो सारी की सारी नेगेटिव वायर्स हैं। सो हमें सारी येलो वायर्स और सारी ब्लैक वायर्स को इकट्ठा करना है, बाकी और किसी भी वायर की रिक्वायरमेंट नहीं है। सो इसमें पर्पल भी है, वो भी 5 वोल्ट है, एंड ग्रे उसका कुछ ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ। सो अब जो ये वायर्स हैं, अब वायर्स को मैं दिखा देता हूँ आपको। सबसे पहले जैसे ये साटा कनेक्टर की है, ये मोलेक्स कनेक्टर की है, ये हमारी 4-pin हार्ड डिस्क के लिए, एंड ये एक और मोलेक्स कनेक्टर। अब देखो ये CPU के लिए, CPU में 2 येलो और 2 ब्लैक जा रही हैं। सो ये 12 वोल्ट लाइन है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। इसके अंदर क्या है, मोरेक्स कनेक्टर के लिए हमारे पास रेड भी है, येलो भी है, ब्लैक भी है। सो 2 ब्लैक हैं और एक रेड और एक येलो। सो यहाँ से हमें चाहिए रहता है येलो और ब्लैक। ब्लैक जितने हो जाए, जैसे हमें कार ऑडियो के अंदर हम यूज़ करते हैं कि नेगेटिव लाइन को मोटा कर लिया, सो यहाँ पे भी काइंड ऑफ अ सिमिलर स्टोरी रहेगी। एंड ये जो चीज़ है, ये हमारा मदरबोर्ड का कनेक्टर है बेसिकली। इसके अंदर हमें कई सारे कलर्स की वायर्स मिल जाएंगी, जो कि आप देख ही रहे हो स्क्रीन पे, ऑरेंज, ब्लू, ग्रीन, येलो, पर्पल, ग्रे, पता नहीं क्या क्या। सो इसमें से हमारे काम की कौन सी है गाइस, अभी मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। सो जैसे ये इसका जो मेन कनेक्टर है, ये वाला, ये अभी चालू है। एंड अगर मैं यहाँ पे इसको कनेक्शन दे भी देता हूँ, स्पार्किंग देखी आपने, बट इट डजंट टर्न ऑन। उसका रीज़न है क्योंकि ये मदरबोर्ड के साथ कनेक्टेड ही नहीं है। अब इसको ऑन करने के गाइस क्या तरीका है, हमें एक वायर लेनी है इस टाइप की, या ऐसा छोटी सी एक जंपर केबल बेसिकली, हमें 2 वायर से उसमें शॉर्ट करना होता है। ये जो आप ग्रीन देख रहे हो, ग्रीन वायर,
एक ग्रीन और एक कोई सी भी ब्लैक हो, कोई जरूरी नहीं है कि हमें कोई स्पेशल ब्लैक चाहिए, बस एक ग्रीन और एक ब्लैक जैसे साथ में। और यहाँ पे हम पेंट्स के हिसाब से देखें तो 1, 2, 3, 4, 4th नंबर पे ग्रीन है, उसके बाद एक ब्लैक है, उसके बाद भी एक ब्लैक है, उसके बाद भी एक ब्लैक है, ग्रीन से पहले भी एक ब्लैक है, सो कोई फर्क नहीं पड़ता। हम ग्रीन वायर लेंगे यहाँ पे और एक उसके आगे वाली ब्लैक लेते हैं। सो इन दोनों को जैसे ही मैं जंप करूँगा, अब देखना ये फैन हो जाएगा घूमना स्टार्ट, सब कुछ लाइव कैमरा पे ही मैं कर लूँगा। और ये इतना वैसे रिस्की तो नहीं है, बट डू इट ऑन योर ओन रिस्क, मैं सिर्फ आपको गाइड कर सकता हूँ। ये एक वायर मैंने कर दी इसके अंदर और ये दूसरी मैंने डाल दी इसके अंदर, एंड ऐसे ही गाइस ये हो जाता है ऑन, दैट्स अबाउट इट। यही काम आपको करना है, देखो फैन घूम रहा है फर्स्ट क्लास, एंड अभी मैं कुछ नहीं करूंगा, जैसे ये वाली जो वायर मैंने आपके सामने अभी लगाई है इसको निकाल दूंगा एंड फैन हो गया बंद। चलो फिर मेन काम तो हमारा हो गया, यही मेन काम होता है कंप्यूटर पावर सप्लाई के साथ। अब मैं आपको दिखाता हूँ कार स्टीरियो को कैसे चलाया जाएगा इसके साथ। ऑलराइट, सो गाइस ये हमारा स्टीरियो हो गया। सो मेन चीज़ गाइस हमें वायरिंग हार्नेस चाहिए, वायरिंग हार्नेस जो स्टीरियो की होती है उसके अंदर हमारे पास स्पीकर वायर्स भी होती हैं, पावर की वायर्स भी होती हैं, और कुछ एडिशनल अगर आपके स्टीरियो में फंक्शंस हैं तो उनकी वायर्स भी होती हैं। सो यहाँ पे मैं कोई भी दूसरा फंक्शन की बात नहीं करने वाला, सिर्फ बात करूँगा कि इसको ऑन कैसे किया जाए इसके साथ, ठीक है। सो उसके लिए हमें गाइस यहाँ पे वायर चाहिए एक, तो सबसे पहले जो मैंने आपको यहाँ पर भी बताई थी येलो वायर ब्लैक वायर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस यहाँ पर। ये देखो ये आ गई हमारी येलो वायर एंड ब्लैक वायर है, इसके ऊपर लिखा भी होता है ये है ग्राउंड अगर आप इस पर पढ़ पाओ तो, एंड ये है गाइस मेमोरी 12 वोल्ट प्लस, सो ये कांस्टेंट 12 वोल्ट मांगती है। एंड इसके साथ गाइस हमारे पास एक वायर और होती है ये रेड वाली, सो ये रेड वाली भी गाड़ी के अंदर तो हमारे पास एक्सेसरी लाइन का सेपरेट पॉइंट होता है, पर यहाँ पे ऐसा कोई सीन नहीं है। और यहाँ पे ये कोई जैसे इग्निशन हम ऑन करते हैं वैसे गाड़ी में ऑन हो जाता है स्टीरियो, तो यहाँ पे ऑब्वियसली बात नहीं होगा, यहाँ पे हमें ये जो बटन है इसके साथ करते हैं या फिर ऑन ऑफ करने का सिस्टम अलग कर सकते हो। सो बेसिकली क्या है, रेड एंड येलो वायर को आपस में ही गाइस हम कनेक्ट कर देंगे जस्ट लाइक दैट। ये हो गया आपस में कनेक्ट, ठीक है, बढ़िया सा। एंड ये हमारी ब्लैक वायर, सो अब यहाँ से गाइस एक कोई सा भी ले लो आप, जैसे जो मैंने आपको सीपीयू वाला बताया था ये पॉइंट ब्लैक और येलो इसके अंदर दोनों है, सो जो रेड एंड ब्लैक सॉरी रेड एंड येलो है वो गाइस हम इसके अंदर डाल देंगे जस्ट लाइक दैट येलो वाले के अंदर। इसको भी अगर आप कंफर्टेबली लेना चाहते हो तो अभी मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, इसके बाद मैं एक चीज़ और बताऊँगा, उसके लिए तैयार रहना है एंड में। एंड जैसे ये ले लिया, ये कंफर्टेबल है क्योंकि इसके आगे के होल्स बड़े हैं मोलेक्स कनेक्टर के, सो जो येलो वाला पॉइंट है उसके अंदर इसको डाल देते हैं। ये लो जी हो गया, और अब ब्लैक लेते हैं, ब्लैक का तो सीधा सिंपल ही है, ब्लैक के साथ ब्लैक, सो ये हो गया ब्लैक के साथ ब्लैक। अब एक बार इसको ऑन भी करना है, इसको ऑन कर लेते हैं, तो पावर सप्लाई इज ऑन। सो अब क्या करना है हमें, ये जो कनेक्टर हमने यहाँ पे लिया हुआ है इसको उठाना है, और ऑब्वियसली बात है हमारे स्टीरियो के जो पीछे कनेक्टर दिए होते हैं यहाँ पे स्पेस, ये वाला यहाँ पे कनेक्ट कर देना है। एंड एक और चीज़ गाइस चेक दिस आउट, ये जो फ्यूज है यहाँ पे लिखा हुआ है 10A, सो ये मैक्सिमम जो कोई सा भी कार स्टीरियो आप लोगे वो सिर्फ 10 एम्पीयर ही हैंडल कर सकता है, उसके ऊपर नहीं। सो हमारे को 10 एम्पीयर की पावर सप्लाई इज मोर देन सफिशिएंट, बट जैसे ये 22 एम्पीयर है तो ये तो खैर ओवर ही है इसके लिए। सो सप्लाई काफ़ी कंफर्टेबली चलेगी। ऐसे ये हो गया हमारा कनेक्टर तैयार, अब बस ये रख दूँ एक बारी, कुछ नहीं बस पावर बटन दबाऊंगा ये ऑन हो जाएगा। पावर बटन है कौन सा इसके अंदर, विच इज द पावर बटन, जस्ट लाइक दैट गाइस इट इज टर्निंग ऑन। बस गाइस यही करना होता है कार स्टीरियो को एक कंप्यूटर पावर सप्लाई के साथ ऑन करने के लिए, एंड एज यू कैन सी ये चल रहा है बहुत ही अच्छी तरीके से। सो देयर यू हैव इट गाइस, ऐसे आप चला सकते हो अपना एक कार स्टीरियो या फिर कार एम्पलीफायर, एम्पलीफायर के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो भी दे दूंगा जिससे कि आपको और ज़्यादा अच्छे से क्लैरिफाई हो जाएगा। एंड गाइस अब मैं जो बात बता रहा था आपको एक बोनस टिप की, एक और जैसे ये कंप्यूटर पावर सप्लाई है इसके अंदर मैंने वायरिंग को बिल्कुल सही तरीके से अरेंज कर दिया है, आई मीन ये एक पूरा गुच्छा बना दिया है ये ब्लैक वायर्स का, एक पूरा गुच्छा ये वाला हो गया येलो वायर्स का, एंड एक ग्रीन एंड ब्लैक जो मैंने आपको जंपर बना के दिखाया था उन दोनों वायर्स को गाइस आप ऐसे अगर डायरेक्टली कनेक्ट करके आपस में कनेक्ट कर दोगे तो ये चीज़ तो तब भी चलती है। सो ऐसे उसका बेनिफिट ये रहता है कि थोड़ा इजी रहता है। सो जैसे कि आप अभी देख ही रहे हो तो स्टीरियो स्टिल वर्किंग एब्सोल्युटली फाइन, एंड टच स्क्रीन वाला स्टीरियो है जो नैनो के अंदर है ये वही है। स्पीकर चला के मैंने आपको इस पर्टिकुलर वीडियो में इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि इसके साथ मैंने एक टेस्ट पहले ही किया हुआ है, उसका लिंक गाइस मैं आपको दे दूंगा तो उसको प्लीज़ आप चेकआउट कर लेना, थोड़ी सी झलक भी मैं आपको दिखाई रहा हूँ। सो एक्जैक्टली द सेम मेथड ही मैंने उस टाइम पे भी यूज़ किया था, तो इट्स नथिंग लाइक इट राइट। So I hope you guys like this particular video, and अब मिलेंगे किसी और awesome से video में, जो क्या एक ऑफिस की बात है कल। आज मैं थोड़ा सा late video डालूंगा क्योंकि
थोड़ा सा लेट हो गया मैं. सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. गाइस अगर आप नए हो मेरे चैनल पे तो प्लीज डू कंसीडर सब्सक्राइबिंग. कार एंड होम ऑडियो रिलेटेड कंटेंट बहुत सारा है चैनल पे एंड कार रिलेटेड भी है, थोड़ा बहुत ट्रैवल भी है, कुछ अनबॉक्सिंग्स भी हैं, कई सारी चीजें हैं. तो एक बार आप चेकआउट कर लेना प्लेलिस्ट एंड वीडियोस को. सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. बाय, टेक केयर, सी यू. हैव लॉट्स ऑफ फन. एंड गाइस लॉकडाउन है, बाहर मत जाना, बिल्कुल मत जाना.